दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत ही ज़्यादा जो मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ है, जिसे कहते हैं, जो मैंने खुद ने जिसको महसूस किया है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, जिसको आप फेसबुक मैसेंजर कह सकते हैं, कि इनमें बहुत सारे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आती रहती हैं, आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप समझ लो कि आप उस जाल में फंसने वाले हो। तो ज़्यादातर समय लेते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। तो देखिए, इन मोहतरमा का नाम बताया गया पूजा सिंह, ठीक है। सो मैंने ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, लिखा हेलो, उन्होंने उसके बाद तुरंत वीडियो कॉल किया। तो फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है कि कोई जानकार पर्सन हो, जो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कॉल करे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी वेट किया, फिर उसके बाद कॉल किया, पहले वीडियो कॉल उसके बाद वॉइस कॉल। फिर मैंने पूछा जी कौन, तो मैंने उन्होंने कहा कि पूछा, हमने कहा, उन्होंने कहा आप कहाँ से, तो मैंने कहा राजस्थान, और आप कहाँ से, उन्होंने कहा उदयपुर राजस्थान से, क्योंकि ये स्कैम करने वाले थे कुछ ऐसे। ओके, तो आप क्या करते हो, जी मैं खाना खा रहा हूँ, और आप क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा कंप्यूटर, तो मैंने कहा मतलब कंप्यूटर, उन्होंने फिर वीडियो कॉल किया, तो मैंने वॉइस कॉल भेजा, जैसे वॉइस कॉल करते मैंने बोला कि एक बार आप कॉल अटेंड करें, तो मुझे पता लग गया कि शख्स सामने से पर्सन है, मेल या फीमेल, जो भी पर्सन है। तो ठीक है, मैंने किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया, कोई चक्कर नहीं। फिर किया क्या उन्होंने, फिर दोबारा से तुरंत वीडियो कॉल किया मुझसे। सो मैंने, मेरे दिमाग में डाउट था, जो डाउट वो वास्तविकता में विश्वास में बदल चुका, तो मैंने जैसे कैमरे पे हाथ रख लिया, तो उन्होंने क्या किया, सामने से एक और वीडियो को प्ले करके रख दिया, जो आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से स्कैम करते हैं कि फ़ोन को चला के रखते हैं और सामने से ये दर्शाते हैं कि ये रियलिटी है जो मैं सामने से कर रही हूँ, जबकि वो कर रहा होता है, कर रही नहीं होती, जबकि वो कर रहा होता है। तो सामने से उन्होंने ब्लैकमेल का पूरा प्रोग्राम बना रखा था कि वो सामने से भी अगर हम फेस दिखाते तो हमारे फेस को कवर करते, रिकॉर्ड करते, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड होता है जिसको स्क्रीन रिकॉर्डर कहते हैं, उससे करके सामने से फिर क्या कहते हैं कि हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, आपको बदनाम करेंगे, तो आपको धमकाएंगे, उसका चार्ज मांगेंगे। तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप गुमराह हो जाते हैं, तो उस टाइम जो आपका दिमाग है, माइंड है, तो क्या करता है कि समझ से बाहर हो जाता है, तो वो फिर आपको उसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या कहेंगे कि पैसे डालो, 5,000 डालो, 10,000 डालो, 20,000 डालो, पहली बार डलवालेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे कि मैम फिर दोबारा से डालो। तो ये उनका क्या कहते हैं कि ग्रो होता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए इन्होंने अकाउंट जो क्रिएट किया, कितने टाइम पहले क्रिएट किया, ठीक है। तो हम वहाँ पे चलते हैं, उसके अंदर इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में देख लीजिए, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, जो इन्होंने फाइनली ही देखी, उन्होंने 10:23 पे एक पिक्चर अपलोड की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 16 जुलाई 4:05 पे किया, उसके बाद उन्होंने 16 जुलाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे अकाउंट होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, फेक होते हैं वो। आपकी देखिए, इसमें कोई बायोडाटा नहीं है। अगर कोई ओरिजिनल अकाउंट होगा, सबसे पहली बात है कि उसका पूरा का पूरा बायोडाटा होगा, और जो रियलिटी, जो ओरिजिनल पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्राइवेसी लगा के रखते हैं अपने अकाउंट पर। तो इन्होंने देखिए 2 या 3 दिन में जितने भी दिनों में क्या किया, तो सबको रिक्वेस्ट डाला, जिन जिन को रिक्वेस्ट डाला, कितनों को इस तरीके से परेशान किया होगा, टॉर्चर किया होगा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इन सब से बच सकते हैं, बचने का रास्ता यही है मेरे दोस्तों, मेरे भाई। अगर कोई ऐसा मैसेज आता है, जैसे ये मैंने रखा होगा, अगर ऐसा कोई मैसेज आता है आपको सोशल मीडिया पर किसी भी नाम से, अदरवाइज वो किसी भी नाम से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूजा के नाम से होगा, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आपको लड़की के नाम से पहले रिक्वेस्ट सेंड होगा, आपने एक्सेप्ट किया तो वो तुरंत आपको मैसेज करेंगे, आपको उसके बाद कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं एक बार, यही चीज़ थी कि मैं आपको बताना चाहता था कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, या आप अगर गुमराह हो गए तो आपके साथ धोखा होगा 100%। तो ऐसा कोई भी अगर फेक मैसेज आता है आपको व्हाट्सएप पे, कॉल पे, तो आप क्या करें, डायरेक्ट ब्लॉक कर दें, उसके झांसे में ना आए, ठीक है। अगर झांसे में आ गए तो ये सोच लो कि आप उसके जाल में फंस चुके हो, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपका जो पीछा छोड़ेगा, नहीं तो आपको टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, रोज़ पुल करेगा, तो मेंटली टॉर्चर करेगा, मेंटली डिप्रेशन में डालेगा आपको। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें आप हमेशा, मन में अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, इससे संबंधित जितने भी फ्रॉड मैसेज आते हैं आपको, ये कॉल आते हैं,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम मैंने डाला हुआ मेंशन किया हुआ आईडी, वहाँ से आप मुझे फॉलो करें और मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिटर्न रिप्लाई दूंगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।